वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। और आज मैं यार ऐसे पुस्तक के बारे में बताने वाला हूँ यार, जो अपने भारतवर्ष में ना काफ़ी यार लंबे समय से चला आ रहा है, अखाड़ों में पहलवान करते हैं, बट क्या है कि हम यार उस पुस्तक को करना छोड़ दिए हैं। मतलब हम बेसिकली नॉर्मल पुस्तक कर रहे हैं, बट यार ये एक ऐसा पुस्तक है जहाँ से यार हमें फ़ायदे अनेक है ना। हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है यार, हमारी चेस्ट की, हमारी शोल्डर की, हमारी बैक की, है ना। तो इससे काफ़ी फ़ायदे हैं यार। और चलिए शुरू करते हैं। इस पुशअप का एक्चुअली में नाम जो है वो है हिंदू पुशअप यार, है ना। तो परफॉर्म करते हैं, फ़ायदे बहुत हैं यार। देखते हैं कैसे, किस तरह से, कितने परफॉर्म किया जाता है यार इसको, और फिर मिलते हैं वीडियो की लास्ट में। तो आइए जानते हैं हिंदू पुशअप आपको कैसे करना है। दोस्तों, हिंदू पुशअप करने के लिए आपको साधारण अंग्रेजी पुशअप की तरह जमीन पर अपने दोनों हाथ रखकर लेटना होता है और अपने पांव थोड़े गैप में रखने होते हैं। इसमें आपकी कमर पीठ से ऊंची रखनी होती है। उसके बाद आपको नीचे आना होता है और सीने को पुशअप लगाते हुए ऊपर आगे ले जाया जाता है और वापस पहले वाली अवस्था में पीछे जाया जाता है। इसे एक रैप कहते हैं और ऐसे आप जितने लगा सकते हैं लगाएं। तो आइए जानते हैं इसको लगाने से होता क्या है। दोस्तों, हिंदू पुशअप एक ऐसा पुशअप है जिसमें आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, जो कि साधारण अंग्रेजी पुशअप से नहीं होता है। हिंदू पुशअप लगाते समय आपके सीने पर जोर पड़ता है, जिससे आपका सीना चौड़ा होता है और बाहर की ओर निकलता है। जब आप इसे लगाते समय ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स पर जोर पड़ता है, जिससे आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स मजबूत और बड़े होते हैं, जबकि साधारण पुशअप में ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपके शोल्डर और ट्राइसेप्स का वर्कआउट भी होता है। हिंदू पुशअप लगाते समय जब हम आगे से ऊपर होकर पीछे जाते हैं तो इस क्रिया से हमारा बैक चौड़ा बनता है, साथ ही बैक में कटिंग होती है और बैक वी शेप में आता है। इसी के साथ आपके हाथ भी मोटे होते हैं, बाइसेप्स बढ़ते हैं। गाइस, काफी अच्छा लगा यार। आप लोग भी हिंदू पुशअप जरूर ट्राई करना यार। मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 2 सेट तो करो यार, है ना। और 20-20 की रिपीटेशन में आप 2 सेट परफॉर्म कर सकते हैं, 30-40 सेकंड का गैप रखकर। काफ़ी ज़्यादा यार इस पर स्ट्रेस काफ़ी आता है यार, अपने चेस्ट पर, शोल्डर पर, और अपना बैक जो है वो भी एकदम अच्छे शेप में आता है। तो भाई, अपने ये जो पुरानी परंपरा यार, जो पुराने एक्सरसाइजेज हैं यार, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इनको हम इसको क्या करें यार, अपने काफ़ी पुरानी एक्सरसाइज है यार, तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी बेनिफिशियल तो होगी ही। तो परफॉर्म करते रहिए यार, और ऐसे ही हमारे ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पसंद आया होगा वीडियो तो लाइक करना यार, और शेयर भी करना, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब भी करवाना यार, क्योंकि अब मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूँ तो आपसे भी हमें मोटिवेशन चाहिए यार। और वो मिलेगा कैसे, जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ग्रो होगा चैनल का, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। हम भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, एक्सरसाइज से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, और भी बहुत सारे योगा मेडिटेशन से रिलेटेड, आपको फिट रखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहें, फिट रहें, और जल्दी रहें।